हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों, आ गए हूँ मैं फिर से अपने काम के साइट पे। तो दोस्तों, आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये विंडो और विंडो का पल्ला और दरवाज़ा का पल्ला जो हमने बनाकर रखा हुआ है, तो आज जो हम ये विंडो का पल्ला जो है वो फिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए आपको हम बैक कैमरा करके दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमने ये सारे दरवाज़ा और विंडो वेंटिल का पल्ला जो है तीनों हमने बनाकर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो दोस्तों, हमारा ये सारे बनाकर तो हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अभी जो इसका फिटिंग करने का काम जो है वो बाकी रह गया है। तो आज जो है हम ये विंडो का पल्ला जो है वो फिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी दोस्तों देखिएगा कि एक विंडो का पल्ला फिटिंग कैसे किया जाता है, तो उसका दाग जो है लगाने का काम कैसे करते हैं। तो चलिए आप लोग भी बने रहे वीडियो पे। और दोस्तों, अगर आप लोग ने इन सारे दरवाज़ा और विंडो के पल्ला जो हमने बनाया उसका वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, तो मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो विंडो के पल्ला पे जो है निशान लगा कर रख लिया है। तो अभी हम जो है विंडो पल्ला को यहाँ पर फ्रेम पर रख कर जो है निशान लगाने वाले अच्छी तरह से। तो हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे दाग लगा दिया है दोनों साइड पे। तो हमारा विंडो का पल्ला जो है वो 17 इंच का है, लेकिन ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, तो इसको हम कटिंग करके अभी फेंकने वाले हैं। तो हमने दोनों साइड दाग लगा लिया है और यहाँ पर हमने ये एक कील लगा दिया है। तो कील लगाने से क्या होता है कि ये दोस्तों विंडो का पल्ला इस पर रुक जाएगा, हम तो हमें दाग लगाने के लिए आसान होगा। तो चलिए दाग लगाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने फ्रेम को जो है यहाँ पर लगा दिया। तो ये देखिए, ये किल लगाने का वजह से ये विंडो का पल्ला रुक गया इस तरह से। तो देखिए, बिना पकड़े ही जो है रुक जाता है। तो अगर ये किल नहीं मारते तो बहुत ही मुश्किल होता है, और दाग लगाते समय इधर से उधर हिलने का चांस रहता है। तो इस तरह से किल मारकर जो है दाग लगाने से बहुत ही आसान से दाग लग जाता है। तो इसलिए इस तरह से देखिए हम दाग लगा रहे हैं इसको। तो दाग लगाकर इसे कटिंग करने का काम जो है शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो है निशान ये देखिए हमने लगा लिया है। तो हमारा निशान फाइनली बन चुका है। तो देख सकते हैं, हमने स्किल के वजह से जो है अकेले में ही इसको आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से किल नहीं मार के डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है, फट से विंडो का पल्ला जो है नीचे गिरने का चांस रहता है। तो जो आपका दाग में वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से किल लगा के जो है दाग लगाने से तो ये बराबर रहता है, हिलने का चांस नहीं रहता है। तो अब चलिए बाकी सारे पीस को जो है दाग लगा कर करते हैं कम्प्लीट। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे जो है ये सारे विंडो का पल्ला जितने भी है वो हमने सारे दाग लगाकर कंप्लीट कर लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से जो ये दाग लगा लिया हमने। चौकट पर जो साइज़ है उसी के साइज़ में हमने ये दाग यहाँ पर जो है लगा लिया है विंडो के पल्ले पर। तो अब इसको जो है पलट के दूसरी साइड पलट के फिर उसके ऊपर कटिंग करना पड़ेगा। और उससे पहले दोस्तों, और अभी बाकी यहाँ पर ये वेंटिलेटर का जो पल्ला है तो इसको भी जो है दाग लगा लेंगे। तो पहले इसको भी जो है दाग लगा कर कम्प्लीट कर लेंगे, फिर बाद में एक ही साथ में सारे विंडो और वेंटिलेटर के पल्ला के जो दाग लगा हुआ दाग है उसको कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग नहीं, इसको दाग लगा लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये सारे विंडो और वेंटिलेटर के पल्ला जो है वो हमने सारे दाग लगा कर यहाँ पर रख लिया हूँ। तो देख सकते हैं, ये हमने जो निशान हमने पलट लिया है इस तरफ में। तो अब इसको सारे कटिंग करने का काम जो बाकी रह गया है, तो चलिए आप इसका कटिंग करने का काम से वो फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। तो आप लोग भी बने रहे वीडियो पे।
दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने ये एक पीस जो फाइनली कटिंग करके रेडी कर लिया है, तो इसके सेट का कटिंग हो चुका है। तो अभी हम जो चौकट पर लगाने के लिए इसके सेट में थोड़ा सा रन्ना मारना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो यहाँ पर फिटिंग करने के लिए हो जाएगा। तो चले ये बाकी सारे जितने पीस है वो सारे पीस को कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने सारे विंडो का पल्ला और वेंटिल का पल्ला जो है वो कटिंग करके लगभग कर दिया है कंप्लीट। तो अभी चलिए चौखट पर फिटिंग करने का काम जो है वो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने ये विंडो का पल्ला जो है फाइनली यहाँ पर फिट कर दिया हूँ, देख सकते हैं कुछ तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर जगह भी नहीं था, उसके वजह से जो मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, सिर्फ मैंने फिटिंग करके जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं, और विंडो और वेंटिलेटर का पल्ला, वो ये ऊपर वाला वेंटिलेटर का पल्ला है तो लग चुका है, और देखिए नीचे विंडो का पल्ला, तो दोनों हमारा जो फिटिंग हो चुका है, वेंटिलेटर और विंडो का पल्ला जो है। तो अब इस पर हैंगर्स लगाने का काम जो वो बाकी रह गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, वहाँ पे मैंने तीन विंडो का पल्ला और वेंटिलेटर का पल्ला जो है लगाकर रेडी कर दिया था। तो मैंने सारे लगाकर फिर से निकल के हमने अंदर रख दिया, क्योंकि अभी हम उस पर हैंगर्स नहीं लगाने वाला, अभी तो और भी सारे पल्ला को लगाने का काम बाकी है, तो सारे लगाकर रेडी करेंगे, फिर उसके बाद ही हैंगर्स लगाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।